ऑल राइट पीपल, हम लगभग 1200 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं और गाड़ी में पीछे वाले टायर से आवाज़ आने लगी। उस तरफ का जो डोर है वहाँ से आवाज़ आने लगी है, बाकी फ्रंट का तो एकदम सही है। पीछे वाली आवाज़ सुनाता मैं आपको। तो ये जो झुंझने वाली आवाज़ थी ना, ये आने लग गई है। ये थोड़ी सी इरिटेटिंग होती है क्योंकि हर झटके के ऊपर ये फिर से वही आवाज़ करने लग जाती है। तो अभी सबसे पहले आगे मूव ऑन करने से पहले गाड़ी को चेकअप कराएंगे कि कहाँ से क्या दिक्कत आ रही है। हाँ, इसके अंदर कुछ ये जो स्क्रू वगैरह थोड़ा सा या तो लूज हुआ होगा। हाँ, नीचे तो हो जाएगा, देखना पड़ेगा सर क्या है। यार गाड़ी को अंदर ले चेक करते हैं। इसमें से कुछ आवाज आओगी? ये ढीला तो नहीं? इसको पकड़ी, इसको पकड़ने से बंद हो गया। डिगी खोलो। हाँ, आपको पता है आप वहाँ पे करवाते हो? अच्छा, से ज़्यादा नहीं हो जाएंगे? नहीं है, नहीं है। कोई से पूछ लो, ऐसा वाला ऐसे नहीं है कहा बात से, हम थोड़ा ज़्यादा करते, वो वाली बात नहीं है। कर दो, कर दो, नॉर्मल बंदे से कर दो, कर दो। व्हील बैलेंसिंग करवाना एक एक तरफ। आपका वो आवाज़ वगैरह ठीक हो गया? हो गया। क्या सब प्रॉब्लम क्या था? क्या प्रॉब्लम थी? हाँ, थोड़ा सा नहीं, ये कुछ लूज था, घुमाया। हाँ, अच्छा, गायब। ओ आया, और टाइट टाइट ही करते भाई इसको पूरा। हाँ, बेस्ट हो गया। ठीक है, नाउ ये क्या कर रहा है? ये गाड़ी के जो टायर में पहले से वेट है उनको निकाल निकाल के चेक कर रहा है कि गाड़ी के एक्चुअल जो वेट पहले से थे वो सही थे कि नहीं। और हमें बाद में मालूम चला कि जो गाड़ी के वेट थे वो पहले से जो लगे हुए थे वो थोड़े से गलत थे, उनको निकाला गया है, उनको सही जगह दोबारा से फिट करवाया गया है अलग अलग वेट्स की। ये जो मशीन है ये एक्चुअल में चेक करती है कि गाड़ी के जो किसी भी एंगल के अंदर कौन सा वेट कहाँ गलत है, उसके बाद वेट ठीक करने के बाद टायर को वापस लगा दिया गया। अब यही काम हमने सारे टायर के ऊपर करवाया है क्योंकि सारे टायर ऑफसेट। उसके बाद हम व्हील अलाइन करवाने जा रहे हैं, उसके लिए आपको पता है प्रोसेस क्या होता है। और बाकी मशीन ने रीड करके बता दिया है कि यहाँ पर व्हील थोड़ा सा कम अलाइन है, ज़्यादा अलाइन है, खराब है, रिजल्ट वो सब चीज़ें इसमें दिखा दिया। ये शायद -1 degree पे ऑफसेट है, वो -40 degree पे ऑफसेट है, -1 degree पे ऐसे कुछ है जो समझ में आया नहीं मुझे। उस भाई को समझ में आया होगा, अंदर बैठे बैठे कुछ कर रहा है वो, शायद स्टीयरिंग को खोलेगा। स्टीयरिंग को थोड़ा सेट कर रहा है अभी भाई। नीचे से ना इसके जो स्टीयरिंग के साथ जो रॉड कनेक्टेड होती है उसको थोड़ा एडजस्ट करेगा ताकि वो चेक कर सके। तो जी बात ये है कि व्हील अलाइनमेंट आउट थी, जो वेट थे टायर के ऊपर वो भी ऊपर नीचे थे, कहीं पर ज़्यादा थे कहीं पर कम थे। तो पहले वो करवाया है और अलाइनमेंट करवाई है। आगे वाला टायर जो है थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ खींच रहा था, ये तीनों ड्राइवर्स ने ऑब्जर्व किया कि हाँ टायर जो है लेफ्ट साइड की तरफ खींच रहा है अपने आप ही। मतलब कई लोग बोले हैं कि रोड थोड़ा टेढ़ा होता है, लेकिन जब रोड ऐसे भी होता है ना तब भी टायर लेफ्ट साइड की तरफ खींचता है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाला काम था। और स्टीयरिंग अगर मतलब गाड़ी को सीधा रखना है तो स्टीयरिंग का जो सेंटर है वो थोड़ा ऑफसेट रहता है, तो ये बड़ी दिक्कत थी। अब तो सही तरीके से होएगी नहीं। तो देखो जी, सब कुछ काम हो चुका है, अलाइनमेंट हो चुका है, अब चेक करते हैं गाड़ी को कितना अच्छे तरीके से हुआ है। देखिए अभी भी गाड़ी थोड़ा सा बहुत ही माइन्यूट सा लेफ्ट साइड की तरफ खींच रही है। वो हो सकता है रोड थोड़ा टेढ़ा हो, मतलब आपको पता होगा रोड हमेशा थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ झुका रहता है, हो सकता है उसकी वजह थोड़ा खींच रही हो। लेकिन अगर स्टीयरिंग व्हील छोड़ते हैं तो काफ़ी दूर जाने के बाद लेफ्ट तरफ को खींचना स्टार्ट करती है। ऐसा नहीं कि स्टीयरिंग व्हील छोड़ते एकदम लेफ्ट तरफ खींचना स्टार्ट करती है। एक और प्रॉब्लम जो है वो मेरी रिजॉल्व हो चुकी है, वो हुई है जो हाई स्पीड के ऊपर वाइब्रेशंस होते थे वो जा चुके हैं। अब वो उसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा, अगली वीडियो में बात करूंगा कि नेक्सॉन के अंदर अगर हाई स्पीड के ऊपर वाइब्रेशंस आते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो अभी आपने अगर गाड़ी शोरूम से ली है, एक दो महीना हुआ है, तो डेफिनेटली आप शोरूम में जाइए। 1000 किलोमीटर के बाद आपको एक सर्विस करवानी होती है, वो जनरल चेकअप करते हैं कि आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत तो है नहीं।
उस टाइम पे बताइए उनको गाड़ी लेफ्ट साइड की तरफ खींच रही है या राइट साइड की तरफ खींच रही है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी गाड़ी ठीक करके देंगे। क्योंकि जो PDI होती है, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन होती है, उनमें इनको ये चेक करना होता है कि गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट सही है कि नहीं। हो सकता है जो वेट का बैलेंस है वो सही ना हो टायर के ऊपर, तो वहाँ पर आपको चेक करवाना ज़रूरी है। तो ये थी छोटी सी वीडियो टाटा नेक्सॉन के बारे में, अगर आपके टायर व्हील अलाइंड नहीं है तो उसके बारे में। और हाँ, टायर रोटेशन कराना भी ज़रूरी होता है, उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्यों ज़रूरी होता है और कैसे कैसे करवाना चाहिए। तो मिलता हूं आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।